अमरनाथ सोमवार को आजमगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जिलेवासियों को 32 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। वहीं सीएम के आगमन को लेकर जिले के आलाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हैं। लगातार कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। जिले में सगड़ी विधानसभा के साथ लालगंज में भी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिले को बहुप्रतीक्षित विश्वविद्यालय का तोहफा दिया था। ऐसे में आने वाले चुनाव में भाजपा विश्वविद्यालय के साथ विकास की अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास में लगी हुई है, जिससे आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके। हालांकि सियासी मतलब बहुत है इन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के, लेकिन कहीं ना कहीं से ये साफ है कि जो विकास की लहर है वो उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ अगर देखा जाए तो सपा का वर्चस्व यहाँ हमेशा से ही रहा है। ऐसे में आजमगढ़ में बड़ी हुंकार सीएम योगी आदित्यनाथ भरने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनावों में पार्टी को इसका बहुत फायदा मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सपा का गढ़ है उसे फतह करने की, वहां पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की जो कोशिश है वो योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। कई परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रूबी मेरे साथ जुड़ गई है। रूबी, आजमगढ़ दौरे पर योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ सपा का मुख्य गढ़ माना जाता है और यहां पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बीजेपी की मजबूत पकड़ बनाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। काजल, देखिए सबसे अहम बात तो इसमें यही है कि लगातार यूपी दौरा चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, और क्या सही लगाया जा रहा था कि सपा गढ़ यानी कि आजमगढ़ कब पहुंचेगी। आज वो दिन आ ही गया है कि जब वो पहुंचेंगे, और निश्चित तौर पर किसी बात को लेकर लगातार वो परियोजनाओं को लेकर हर कई जिलों में उन्होंने अभी दौरा किया है, और इसके साथ ही साथ आज आजमगढ़ में वो पहुंचेंगे। और कई परियोजना जो पुरानी इनकी बाकी रह चुकी है, यानी कि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, और ऐसे में आजमगढ़ के जनता के लिए एक लुभावन वादा जरूर करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सपा गढ़ है, और ऐसे में चेंज लगाना योगी आदित्यनाथ के लिए एक बिल्कुल कहा जा सकता है कि चुनौती जरूर होगी, क्योंकि काफी टाइम के बाद अब आजमगढ़ का उनका दौरा है, और ऐसे में सपा गढ़ में वो कितने जनता के लिए वहाँ लोगों को कैसे योजनाएं। बिल्कुल, वो भी कहा जा सकता है कि बीजेपी भले ही 300 प्लस का नारा दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि मुख्य विपक्ष दल सपा जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इसका अंदाजा इसी बात से हम लगा सकते हैं कि आजमगढ़ में पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जाते हैं, अब कुछ ही दिन बाद योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं। देखिए काजल, कहा यही जा सकता है कि बिल्कुल भले फाइट अगर हो रही है यूपी की, अगर हम बात कर रहे हैं तो साफ तौर पर सपा और बीजेपी की नजर आ रही है, क्योंकि अब अमित शाह पहुंचे उसके बाद अब योगी पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं सपा गढ़ है, काफी सबकी नजरें बनी हुई होती है कि आजमगढ़ में मुस्लिम वोट ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ये कहा यही जा सकता है कि अब ऐसे में आजमगढ़ को कैसे मजबूती दी जा सकती है। इससे पहले उन्होंने अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने कई योजनाएं दी और कई वादे करके आए हैं, अब योगी पहुंचेंगे, योगी कई परियोजनाओं का अभी शिलान्यास करेंगे, इसके साथ ही साथ जनता के लिए कई वादे भी किया जा सकता है, ये भी कयास लगाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर बिल्कुल रूबी, एक और चीज यहाँ मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो कोरोना का नया संक्रमण है, जो वायरस है वो ओमिक्रॉन है, इसके भी मामले लगातार पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है, ऐसे में बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, तो इसके मद्देनजर क्या खास व्यवस्था रहने वाली है जनसभा स्थल में? काजल, देखिए पहले भी कहा गया था कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम में भी कहा गया है रैली हो या जनसभा हो या कहीं पे भी प्रेसवार्ता हो, खास तौर से कोरोना काल का ध्यान रखा जाए। अब ऐसे में भीड़ इकट्ठा जरूर होती है, लेकिन कई रैलियां ऐसी हुई है, कई जनसभा ऐसी हुई है जहाँ पे मास्क लगे हुए लोग नहीं दिखे हैं, सैनिटाइजर का कोई व्यवस्था नहीं दिखी है, खास तौर से ऐसे टाइम में जब कोरोना चल रहा है, कोरोना काल के बाद अब नया वायरस चल रहा है, अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि ऐसे में रैली करना, जनसभा करना, प्रेसवार्ता करना और भीड़ इकट्ठा होना, लेकिन उस भीड़ का ध्यान कैसे रखा जाएगा इस खास तौर पे इस पे नजर बनी हुई है। लेकिन कई जगह ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पे मास्क नजर नहीं आए हैं, जहाँ पे खुद जो मंत्री विधायक है वो लोग भी इस काल का जो कोरोना काल है उसका पालन करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन
जनता के ऐसे में पहुंचना निश्चित तौर पे एक बीमारियों को आबादी को यानी कि चुनौती जरूर देते हुए नजर आएगी, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होना और कहीं ना कहीं ऐसे वायरस को और आमंत्रित करने वाली बात हो सकती है। तो अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ हेल्थ मिनिस्टर से लगातार संपर्क बने हुए, लगातार बैठक चल रही है और कई हॉस्पिटल को भी कहा गया है इसी बात को लेकर कि पूरी तरीके से तैयारी रखें। लेकिन ऐसे में रैलियां होना या जनसभा होना कहीं ना कहीं प्रश्न का जरूर चुनौती हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रूबी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 32 परियोजनाएं बताई जा रही हैं जिसका शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। तो ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक डर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में बना हुआ है। इसी वजह से जो